हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, मैं आपके सामने लाया हूं कैंपस का एक न्यू आर्टिकल, जिसके बात करेंगे इसके किस प्रकार के आपको फ्यूचर देखने को मिलते हैं, बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता, हमारा वीडियो कहीं पर भी आपको जैसे पॉइंट पर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो कभी भी मिस आउट न करे। तो शूज़ का कहते हैं रिव्यू और दिखाते हैं किस प्रकार की क्वालिटी है। तो फर्स्ट में बात करते हैं शूज़ के अनबॉक्सिंग के ऊपर। बॉक्स आपको एक ब्राउन कलर देखने को मिलता है, जो बढ़िया सा देखने को मिलता है। एंड इसका नेम है डेविस और कलर ग्रे एंड रेड है और प्राइस वगैरह देख रखा है। प्राइस की बात वीडियो के एंड में करने वाले हैं। शूज़ को निकालते हैं बाहर और हमने शूज़ को बाहर निकाल लेते हैं और बात करते हैं बिल्ड और लुक्स के बारे में। बिल्ड की बात की जाए तो आपको इतना बढ़िया देखने को मिलता है, वो भी एकदम शानदार। एंड पीछे की लेदर की पट्टी देखने को मिलती है, ये एक से न्यू फ्यूचर है इसके। और कलर की बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया है कि कलर है इसका ग्रे एंड रेड, तो रेड तो सॉल में देखने को मिलता है और ऊपर क्यों ग्रे। उसके बाद बात करते हैं सेकंड में मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल आपको एकदम बढ़िया देखने को मिलता है, जो भी एकदम छोटे छोटे होल पैटर्न देखने को मिलते हैं वो भी एकदम क्वालिटी में। एंड पीछे की ओर एकदम लेदर देखने को मिलता है, जो आपके लिए बढ़िया इजीली सेफ देखने को मिलता है, ताकि आप रनिंग के दौरान यूज़ करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। उसके बाद सेकंड पॉइंट लेते हैं शूज़ के लेस के ऊपर। तो लेस आपको एकदम वही देखने को मिलती है जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। इसके दो दो के सिर्फ सेट है और पैर साइड में आपको हो एकदम लेदर का पट्टी देखने को मिलता है, जो ईजिली आपको इतना बढ़िया देखने को मिलता है। एंड इसकी जो लाइनिंग एंड फ्यूचर्स देखने को मिल रहे हैं ना, वो क्वालिटी में देखने को मिलता है। एंड की जो आपको छोटी छोटी हर चीज़ देखने को मिल रही है, काफ़ी बेस्ट देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं शूज़ के लोगो के ऊपर। तो लोगो आपको वही देखने को मिलता है, साइड में एक ऊपर की ओर एक पीछे की ओर, फिर से टर्न करके देखें तो आपको देखने को मिलता है। और वही अगर टर्न करके दिखा देता हूँ शूज़ को मैं फिर से आपको, तो उसके बाद बात करते हैं बैक डिज़ाइन के ऊपर। तो बैक डिज़ाइन में आपको वही देखने को मिलता है, जो एक दो लेदर का पट्टी देखने को मिलता है और एक हैंडल देखने को मिलता है, जो उसे पैन पकड़ने के लिए आपको आसानी से हो इसीलिए देखने को मिलता है, आपको पता होगा। और एक तो आपको इसमें ये खास बात देखने को मिलती है और इसकी जो एक एकदम ये सोल की जो पीछे की ओर डिज़ाइन देखने को मिलती है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। एंड छोटे छोटे होल देखने को मिलते हैं पीछे की ओर। सेकेंड बात करते हैं शूज़ के बैक सॉफ्टनेस के ऊपर। बैक सॉफ्टनेस आपको फॉर्म इतनी बढ़िया देखने को मिलती है, जो अगर आप रनिंग एंड वॉकिंग के दौरान यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट एंड ईजी पैर में रखना रखेगा। और इसमें आपको एकदम पैर एकदम फिट रहता है, इसमें आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलती है माय फ्रेंड्स। और इसकी जो आपने ये सॉफ्टनेस देखी है ना, वो इतनी फॉर्म है जो मतलब आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ आप साइज़ के चेक करना चाहिए, ये आपको हमेशा मैं कहता हूँ और कहता ही रहूँगा, क्योंकि ये आपको हमेशा परचेस करते समय चेक कर लेनी चाहिए। इसकी आपको काफ़ी बेस्ट प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर इस शूज़ के ऊपर। एंड उसके बाद बात करते हैं शूज़ के इंसॉल के बारे में। इंसॉल आपको मैंने बाहर निकाल लिया है और इसका मेमोरी भी तो नहीं है, बढ़िया देखने मिलता उसके बाद। और उसके बाद बात करते हैं शूज़ को अंदर की ओर। अंदर की और मैं आप सभी को एंगल से प्रेस करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आज आप सभी एंगल से देख सकते हैं शूज़ के, और आपको बढ़िया देखने को मिलती है इसकी जो अंदर की क्वालिटी। और उसके बाद बात करते हैं शूज़ के फ्लेक्सिबल बारे के। फ्लेक्स के दौरान आप सभी को एंगल से फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप कहीं से कहीं इसे इजी देख सकते हैं कितनी बढ़िया देखने को मिलती है क्वालिटी। और उसके बाद जंपिंग के बारे में बात की जाए तो जंपिंग के दौरान मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, इसमें आसानी से होता है। उसके बाद बात करें शूज़ के रनिंग के ऊपर। तो रनिंग के ऊपर अगर यूज़ किया जाता है तो आप ये शूज़ को यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट बैठते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड में शूज़ के वॉकिंग के ऊपर। तो वॉकिंग के दौरान अगर आप शूज़ यूज़ करते हैं तो भी एक लिए बढ़िया है। एंड रेगुलर पहने तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये एकदम लाइट वेट देखने को मिलता है आपको। एंड ये क्वालिटी इतनी बेटर है ना, आपको बहुत शानदार देखने को मिलती है। लुक के बारे में बात की जाए तो लुक को आपको एकदम क्लियर देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं शूज़ के हाइट के ऊपर। बात करते हैं हाइट है 2.3 इंचेस में, और आगे की ओर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। और उसके बाद बात करते हैं शूज़ को वेट के ऊपर। वेट की बात की जाए तो 150 ग्राम एक शूज़ का वेट है, और दोनों शूज़ का हो गया 300 ग्राम, जो आपके जिम वगैरह में पहनते हैं तो ये लिए परफेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं शूज़ के सॉल के ऊपर। तो सॉल की क्वालिटी इतनी बेटर आपको देखने को मिलती है टिपियार में पूरी। एंड अगर ये शूज़ को आप कहीं पर भी रोड ट्रिप के लिए, एंड अगर आप रोड पर वॉक करते हैं तो ये आपके लिए इतने स्टेप देख रखे ना, वो एकदम चल तो घिसने वाली नहीं है। और इसकी काफ़ी ये बेस्ट फ्यूचर मुझे लगते हैं इसका, जो इसकी मैं क्वालिटी एकदम सॉल मुझे इतनी
आपको परफेक्ट देखने को मिलती है। बीच में यूआई यूज़ किया गया जो आपके लिए फॉर्म है स्पंज रहेगा। उसके बाद साइड सॉल्ट की बात करते हैं, साइड में वही छोटे छोटे लाइनिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं जो मैंने एक पिछला वीडियो रिव्यू किया था, वो भी सेम उसका सॉल्ट टाइप का देखने को मिलता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चाहे देख सकते हैं। और ये इसकी जो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इसके पीछे की ओर एकदम नाइकी की तरह आपको लुक देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं शूज़ के फोल्डिंग के ऊपर, तो फोल्डिंग इसकी एकदम बराबर होती है। इसमें अगर शूज़ पहनकर आप वॉकिंग के दौरान यूज़ करते हैं तो ये आपको फोल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपके लिए परफेक्ट बैठता है। क्योंकि जो इसके फोल्ड ना हो आपके लिए बेटर है नहीं, क्योंकि मैं आपको लर्निंग के लिए उसके मैं आपको यूज़ करने के लिए नहीं कहता हूँ। और उसके बाद बात करते हैं शूज़ की फिटिंग के ऊपर, तो फिट मुझे एग्जैक्टली परफेक्ट बैठता है। अगर आप साइज़ के हिसाब से पहनते हैं तो इससे आप भी परफेक्ट बैठेगा। फाइनली बात कर लेते हैं शूज़ के MRP के, तो MRP है इसका 1499। आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। और एड्रेस की बात करें वूट हाउस फलोदी, और सेकेंड एड्रेस है कृष्णा फुटवेयर, वहाँ पर आपको 100% मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं देखने मिलता फिर आप अपने से ऑनलाइन परचेस कीजिएगा दोस्तों। तो